డిసెంబర్ 3 తర్వాత తెలంగాణలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. తెలంగాణకు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అవసరమన్నారు. ఆదిలాబాద్ జనగర్జన సభలో పాల్గొన్న అమిత్ షా కేసీఆర్ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ పదేళ్లలో కేసీఆర్ కుటుంబమే బాగుపడిందన్నారు. కేసీఆర్ పాలనలో సామాన్యులు, రైతులు, ఆదివాసీల సమస్యలు తీరలేదన్నారు. కేటీఆర్ను ముఖ్యమంత్రిని చేయడమే కేసీఆర్ లక్ష్యమన్నారు. కేసీఆర్ కారు స్టీరింగ్ ఓవైసీ చేతిలో ఉందని విమర్శించారు. का हो या 14 का, आपने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया है, मगर अब समय आ गया है कि तेलंगाना को डबल इंजन सरकार चाहिए. डबल इंजन का मतलब समझते हो ना? समझते हो या नहीं समझते हो? डबल अभी सिर्फ ऊपर मोदी जी है. डबल इंजन का मतलब है नीचे भी मोदी, ऊपर भी मोदी. डबल इंजन सरकार लाना चाहते हैं ना? अभी अभी मोदी जी यहां आए थे. 23 अक्टूबर को अभी अभी मोदी जी आए थे. अक्टूबर महीने में ही 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया. एक चमक का सड़क का सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी की स्थापना की है. हमारा एक क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है. सालों से 2014 से मोदी जी यहां सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे. एक केसीआर सरकार जगह नहीं देती थी. अब इस सेंट्रल आदिवासी यूनिवर्सिटी 950 करोड़ के खर्चे से नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं. मुझे बताओ, आप लोग केसीआर की सरकार को फिर से लाना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहते हो क्या? मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार लाना चाहते हो क्या? 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. और मैं आपको वादा कर जाता हूं, अभी मोदी जी ने हैदराबाद में तेलंगाना विमोचन दिन पर झंडा फहराने का चालू किया है. अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 17 सितंबर को हर जिले में हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा. तेलंगाना के गरीब का काम नहीं किया? किया है क्या? जोर से बोलो, किया है क्या? किसान का काम नहीं किया? किया है क्या? दलित का भी नहीं किया और आदिवासी का भी नहीं किया. मुझे बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है. ये जो मुख्यमंत्री है उनका एक ही लक्ष्य है, अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना. और हमारा लक्ष्य है आदिलाबाद के हर ट्राइबल जवान को नौकरी, शिक्षा और किसान के खेत में पानी पहुंचाना. माता